तो हेलो एवरीवन, अब हीरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला आपका नाइन्थ क्लास में आ जाता है, लेकिन हेल्प पे आपको नाइन्थ में भी करेगा, टेंथ में भी करेगा, इलेवेंथ में भी करेगा, ट्वेल्थ में भी करेगा, और ट्वेल्थ के बाद जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें भी करेगा आपको। तो बचपन से अच्छे से सीख लिया जाए, क्योंकि नाइन्थ में तो पूरा टॉपिक भी हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर ही है पूरा चैप्टर ही, तो आप फायदे में ही रहोगे अच्छे से सीखते। तो हीरोन्स फॉर्मूला के पास दो स्टेप है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हुए अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स तीन साइड लिए, सबसे पहला स्टेप होता है हीरोन्स फॉर्मूला में एस निकालो। एस की फुल फॉर्म लिख लीजिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो सेमी पेरीमीटर कितना हुआ, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर का मतलब सभी साइड्स की लेंथ को ऐड करना है, और टू से क्या करना है बोलो, डिवाइड। तो अगर मैं सभी साइड्स की लेंथ को ऐड करूं तो 3 + 4 + 5 कितना हुआ बोलो, 12। 12 तो पेरीमीटर हुआ ना, हमें क्या निकालना है बोलो, तो 12 / 2 कितना हुआ, 6। और हीरोस फॉर्मूला में सेकंड स्टेप क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया बाय हीरोस फॉर्मूला। हाँ जी, ये जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, S into S minus first side। तो किसी भी एक को आप फर्स्ट साइड बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, आप 5 को फर्स्ट बोल दो, आप 4 को फर्स्ट बोल दो, आप 3 को बोल, उससे कोई फर्क नहीं है, ब्रैकेट आगे पीछे हो जाए। तो S into S minus first side into S minus front side, उनके लिए डिनोट क्या कर दिया, वेरिएबल्स क्या ले लिया, ले लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड ए टी, और अंडर रूट करना नहीं भूल रहा है, ठीक है बोलो, आ गया समझ। अब निकालते हैं, आइए एस क्या है बोलो, एस कितना आया, 6 × 6 - 5 6 - 4 और 6 - 3। इसको जब मैंने देखा सॉल्व करके तो कितना आ रहा है, इधर करते हैं 36। तो ऊपर सॉल्व कर लीजिए, 6 × 1 × 2 × 3। अब ध्यान से देखो, या तो 36 निकलो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लिखना, या 1 6 ये नजर आया, 1 6 ये नजर आया, 3 × 2 = 6। रूट के अंदर 2 6 प्रेजेंट है, तो बाहर आके तो 1 ही 6 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, क्योंकि ये एरिया आ रहा, तो आंसर क्या आया, 6 स्क्वायर। अगर सभी साइड सेंटीमीटर में होती तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर सभी साइड मीटर में होती तो, ठीक है, तो इसका एरिया हमें हीरोस फॉर्मूला से निकालना है। अगर मैं ध्यान से देखूं, कई बार ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, ये राइट ट्रायंगल भी है, अब कोई भी ट्रायंगल हमें राइट ट्रायंगल का पता लगती है जब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल हो। तो मैंने चेक किया यार, 3 4 5 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कई बच्चों को तो डायरेक्ट ही पता होता है, कईयों को नहीं पता होता, तो वो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करके देखेंगे 5 स्क्वायर, और बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम करेंगे जो 5 से छोटी है, तो ये 25 = 25 आ गया। अगर आ गया तो ये कंफर्म है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने कैसे पता किया, मैंने सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किया और बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम किया, वो इक्वल आ रहा, क्योंकि पाइथागोरस जी ने ये कहा था, इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो बन रहा है, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है, और जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम क्या बोलते थे, बहुत बढ़िया हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल क्या है, कंपाउंड एंगल है 90 डिग्री। तो अब आपको अगर राइट ट्रायंगल पता लग गया तो बेशक आप हीरोस फॉर्मूला लगा लो,
या एट में आपने अगर राइट ट्रायंगल देखते ही आप कौन सा फॉर्मूला लगा देते थे तो भी sec स्क्वायर यूनिट आएगा. लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार राइट ट्रायंगल बने और हाफ बेसिस को एक लगा दो तो फिर आप हीरोंस फॉर्मूला तो है ही आपके पास. ठीक है, तो हीरोंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? सबसे पहले सेमी पेरिमीटर जो सभी साइड के सम डिवाइडेड बाय 2 से आएगा. और फॉर्मूला याद होना चाहिए, हिसाब फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. बेटा तो मैंने ये बेसिक आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया. जब भी ये हीरोन्स फॉर्मूला वाला टॉपिक करो तो इस वीडियो को देख लेना, बेसिक आपसे क्लियर हो जाएगा, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करते रहना. थैंक यू वेरी मच.